हमने देखी है उन आँखों में महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। गुलजार जी की इस रचना में पवित्र प्रेम की एक झलक दिखाई देती है, पर अब वो प्यार, वो प्रेम का एहसास कहीं खो गया है। इस मशीनी युग में अब उसकी परिभाषा बदल गई है, जरूरतों ने उसकी तस्वीर बदल दी है, और सौम्य दिखने वाली कृति आज शराब की बोतल लगने लगी है। परिवर्तन के मद में मस्त लोकमानस में ये विलासिता बन गई है। इस प्यार को क्या नाम दे, आज के युवाओं की नजर में प्यार क्या है, इस शीर्षक के अंतर्गत श्रीमती कमला बडोनी जी की रचना को सुनते हैं। मैं कुमार अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, सुनते रहे। वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, प्यार करने का अंदाज भी अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहाँ मोहब्बत के नाम से ही एक सिहरन सी महसूस होने लगती थी, अब वो सिहरन सीधे सेक्स तक पहुँच गई है। लव से लेकर लस्ट तक, प्यार से लेकर सेक्स तक, आज की पीढ़ी को सब कुछ फटाफट चाहिए। इनकी इंस्टेंट लव स्टोरी में सब्र जैसे शब्द के लिए अब कोई जगह नहीं। आज की युवा पीढ़ी के लिए सेक्स अब बंद कमरे में ढके छुपे तौर पर डिस्कस की जाने वाली चीज नहीं रही। अब लोग खुलकर अपनी सेक्स डिजायर को जाहिर करते हैं, और इसे पाने के लिए उन्हें रिश्तों में बंधने का भी सब्र नहीं है। भूख प्यास की तरह जब सेक्स की चाह होती है तो लोग इसे फटाफट पा लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें इंतजार करना मंजूर नहीं। सेक्स में नैतिकता जैसी बात अब बहुत पुरानी हो गई है। आज की पीढ़ी इसे फिजिकल हंगर से जोड़कर देखती है। बदलाव की ये लहर आखिर हमें कहाँ ले जा रही है? सेक्स चाहिए पर बंधन नहीं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर माधवी सेठ कहती है, आज के कई युवाओं को लगता है कि जब सेक्स आसानी से उपलब्ध है तो शादी के बंधन में क्यों बंधे। आज की पीढ़ी की सहन शक्ति कम हो गई है, वो किसी भी मामले में एडजस्ट करने को तैयार नहीं, इसीलिए तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फिर पेरेंट्स भी बच्चों के तलाक पर बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाते। पहले तलाक सोशल स्टिग्मा समझा जाता था, लेकिन अब तलाक होना बड़ी बात नहीं समझी जाती। तलाक के प्रति लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। अब ये नहीं समझा जाता कि तलाक के बाद जिंदगी खराब हो गई। इसी तरह आज से 10 साल पहले शादी करना जरूरी समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई शादी नहीं करना चाहता, तो लोगों को इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। पार्टनर नहीं, पैकेज चाहिए। आजकल प्यार, शादी, बच्चे, सब कुछ नाप तोल कर होता है। लोगों को लाइफ पार्टनर नहीं, कंप्लीट पैकेज चाहिए, जो उनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर जरूरत पूरी करे। जब दिल का रिश्ता ही शर्तों पर हो तो उसके टिकने की उम्मीद कितनी की जा सकती है। यही वजह है कि आजकल के रिश्ते टिकाऊ नहीं है। इन रिश्तों में प्यार के अलावा बाकी सब कुछ होता है, इसीलिए प्यार की तलाश बाकी रह जाती है और एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते बन जाते हैं। बदल गई है शादी की परिभाषा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर माधवी सेठ कहती है, पहले शादी के बाद 1-2 साल पति पत्नी एक दूसरे को समझने में गुजार देते थे। सेक्स का नया नया अनुभव उनके रिश्ते में रोमांच बनाए रखता था। फिर बच्चे, उनकी परवरिश, नाते, रिश्तेदार, लंबा समय गुजर जाता था इन सब में। आज के कई युवा शादी से पहले ही सेक्स का अनुभव ले चुके होते हैं। उस पर करियर बनाने के चलते शादियां देर से हो रही है। ऐसे में शादी में उन्हें कोई रोमांच नजर नहीं आता। उन्हें शादी सिर्फ जिम्मेदारी लगती है, इसीलिए वो शादी से कतराने लगते हैं। इसका एक बड़ा नुकसान ये भी है कि युवा जब सेक्स पर जल्दी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इससे जल्दी ऊब भी जाते हैं, और 40 की उम्र तक उनकी सेक्स लाइफ बोरिंग हो जाती है। उनका जिंदगी से लगाव कम हो जाता है, कोई थ्रिल नहीं रहता। अब शादी की परिभाषा बदल गई है, लेट मैरिज, लेट चिल्ड्रन। कई कपल तो बच्चे भी नहीं चाहते, वर्किंग कपल, न्यूक्लियर फैमिलीज। समय के साथ परिवार का ढांचा और उसकी जरूरतें बदल गई है। बदलाव की ये लहर बहुत कुछ बदल रही है। 10 साल पहले जहाँ लोग इंटरकास्ट मैरिज को पचा नहीं पाते थे, अब सहजता से लेने लगे हैं। इसी तरह अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशन जैसी बातें भी लोगों को चौंकाती नहीं है। बढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, काम के बढ़ते घंटे, ऑफिस में महिला पुरुष का घंटों साथ काम करना, पति पत्नी की असंतुष्ट सेक्स लाइफ आदि के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तादाद बढ़ रही है।
कई पति पत्नी सेक्स का पूरा आनंद नहीं ले पाते, खासकर महिलाएं। फिर भी पार्टनर को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं। ऐसे में जब आप अपनी सेक्स लाइफ से ही संतुष्ट नहीं है तो आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा ही। अंतरंग रिश्ते में भी हम मुखौटा ओढ़ लेते हैं तो संतुष्टि मिलेगी कैसे? ऐसे असंतुष्ट कपल्स जहाँ भी भावनात्मक सहारा पाते हैं वहीं शारीरिक रूप से भी जुड़ जाते हैं। पति, बच्चे, घर, परिवार, ऑफिस, सभी जगह मैकेनिक लाइफ जी रही है महिलाएं। जाने अनजाने घर के बाहर सुकून तलाशने की चाह में मन के साथ साथ तक का रिश्ता भी जोड़ लेती है। मीडिया प्रोफेशनल अरुण कुमार कहते हैं, हमारे देश में आज भी लोग सेक्स पर बात करने से तो कतराते ही है, लेकिन हर पहलू को घोल कर पी जाना चाहते है। पहले भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते थे, पति नपुंसक हो तो परिवार के किसी और सदस्य के साथ सेक्स करके बच्चा पैदा किया जाता था, लेकिन तब इन बातों पर इतना हो हल्ला नहीं मचाया जाता था। अब सेक्स को एक प्रोडक्ट के रूप में देखा जाने लगा है। सेक्स टॉनिक, कॉन्डम आदि बेचने वाली कंपनियां अपने विज्ञापनों में स्त्रियों के शरीर को असली रूप से पेश करके सेक्स को भुनाती है। ऐसे विज्ञापन युवाओं को सेक्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उकसाते हैं। बदलते परिवेश में सेक्स विकृत रूप से सामने आ रहा है। तभी तो बाप ने बेटी का रेप कर दिया, भाई बहन के शारीरिक संबंध बन गए, जैसी खबरें देखने सुनने को मिलती है। हम लोग सेक्स पर खुलकर बात करने से जितना ज्यादा कतराते हैं, इसका उतना ही विभत्स रूप हमारे सामने आता है। हर कोई जैसे इसी में उलझ कर रह जाता है। सेक्स पर हर तरह के रिसर्च कर लेना चाहता है। सेक्स में संतुष्टि जरूरी है। बैंक कर्मचारी रोहित सिंह कहते हैं, सेक्स अब इतनी छोटी चीज हो गई है कि किसी को नीचा दिखाने, बदला लेने, अपना कोई काम निकालने, झूठी शान बढ़ाने, प्रमोशन पाने तक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेक्स को साधना के रूप में किया जाए तो इसके आनंद को समझा जा सकता है। जो मिला उसी से शारीरिक संबंध बना लिया, नोच खसोट कर बलात्कार करके शारीरिक भोग मिटा ली। ऐसा करके कभी तृप्ति नहीं मिलती, बल्कि लालसा बढ़ती जाती है और व्यक्ति इसी में उलझ कर रह जाता है। ये है सेक्स का सच। दोस्तों, जीवन के कुछ कड़वे सच ऐसे हैं जिसे पीकर कोई नीलकंठ बन जाता है तो कोई विषधर बन डसता रहता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।